लॉकडाउन के बाद से ही अपने घरों से दूर मजदूरी करने वाला मजदूर वापस घर को पैदल लौटने पर मजबूर हो रहा है। इनमें कई पैदल यात्रियों की रास्ते में ही किन्हीं ही कारणों से मौत हो रही है। धार जिले के पीतमपुर के समीप ग्राम खंडवा में एबी रोड पर एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक ब्रजलाल अपने भतीजे के साथ मुंबई से सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश अपने घर लौट रहा था, जिसकी सड़क पर ही मृत्यु हो गई। अधिक बुखार होने पर सड़क किनारे सोया ब्रजलाल फिर जीवित नहीं उठा। 3 दिन पहले मुंबई से निकले थे ये लोग। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम हेतु भेजा। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा मौत का कारण। अधिक बुखार होने पर मृतक का सैंपल लिया गया है कि कहीं कोरोना संक्रमित तो नहीं था। ग्राम खंडवा के ग्रामीणों द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एबी रोड पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। सूचना पर सागर पुलिस स्टाफ जो यहाँ पर भ्रमण पे था, थाना मोबाइल यहाँ पहुँची। उसके बाद तस्दीक करते पाया गया कि ये ब्रजलाल प्रजापति करके व्यक्ति हैं, जो अपने भाई भतीजे के साथ मुंबई से निकले थे 3 दिन पहले, जो यहाँ एबी रोड पर खंडवा गांव के पास आराम कर रहे थे। उसके बाद उनके बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं पाया गया, तो उनके भतीजे ने हिलाकर देखा तो वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो अभी मौके पर यहाँ हम लोग मौजूद हैं और स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका से संपर्क किया गया है, तो आगे की जो प्रक्रिया है वो इसमें कर रहे हैं। सर, ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सर, ये मुंबई से सिद्धार्थ नगर जा रहे थे, यूपी। सर, मैं इतने मुंबई से आ रहा था और कुछ साधन कुछ पैदल से आया हूँ, और बीच बीच में खाना पानी मिला, खाए हैं हम लोग, साथ साथ में आए हैं। इनका तबीयत बिगड़ गया ज़्यादा, मान लो बुखार हो गया, बहुत ज़्यादा दिल हो गया, तो बोले रुको अभी आराम कर लेते हैं, उसके बाद में चलेंगे। जब से आदमी तो ना उठा ही नहीं। आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? मुंबई से आ रहे हैं सर। कितने दिन हो गए आपको? 3 दिन हो गया। ठीक। आपका नाम? बेचन प्रजापति। कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश, जिला सिद्धार्थनगर। तो कहाँ जा रहे थे आप? घर पर जा रहे थे सर, उत्तर प्रदेश जा रहे थे।